एग्जाम में सिर्फ लिखा होगा फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा. एक डेटा दिया हुआ है एक्स एंड वाई का, उस पर आपको स्ट्रेट लाइन फिट करना है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इज, आपको ये जो डेटा दिया हुआ है इसका टेबल फॉर्मेशन करना है. सी यू विल रिक्वायर 3, 4, 5 कॉलम्स लगेंगे और रोज तो दिख रहे हैं 7 दिख रहे हैं मुझे. या so we have to fill up these given data vertically. auto fit to contents kar leta hu aur thoda centralize kar leta hu. okay so I write the given data as say x, dusra data y, mujhe ek column lagega aur that is going to be x square, ek aur column lagega x into y. इनफैक्ट ओनली 4, यस 4 कॉलम्स आर रिक्वायर्ड. ये भी नहीं चाहिए, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. आई ओनली नीड 4 कॉलम्स. हाउ डू आई कम टू नो, देखिए यहां पर है जो नॉर्मल इक्वेशंस है ना उसमें समेशंस क्या क्या चीज होगा. समेशन वाई का चाहिए तो वाई का टोटल चाहिए तो वाई वाला कॉलम लगेगा. समेशन एक्स मतलब एक्स का टोटल चाहिए. समेशन एक्स वाई, एक्स वाई वाले कॉलम का टोटल चाहिए. समेशन एक्स तो रिपीट हुआ तो ऊपर भी है यहाँ पर भी है. और समेशन एक्स स्क्वायर, तो ओनली 4 टाइप्स ऑफ कॉलम्स आर रिक्वायर्ड, बस 4 टाइप की कॉलम. अब डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. व्हाट आई नीड इज अ टोटल इन द लास्ट कॉलम दैट यू विल हेल्प मी टू गेट प्लीज. वाई इज 49, 54, 60, 73, 80 and 86. एक्स स्क्वायर, एक्स के डेटा को स्क्वायर करते हैं. 1, 4, 9, 16, 25 and 36. और एक्स इंटू वाई ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन. 149 जा इज अ 49, 254 जा 108, 360 जा 180 एंड 473 जा आई थिंक 292 एंड 580 जा इज 400 और 686 आ 516. सो यू प्लीज हेल्प मी विद द टोटल्स. व्हाट आर गोइंग टू बी देयर टोटल्स? एक्स का टोटल, वाई का टोटल, एक्स स्क्वायर टोटल एंड एक्स इनटू वाई का टोटल. Yeah, thank you, Kaina. 21 is the X total. 402 is the Y total. 91 is the X square total. And 1545 is XY total. Yeah. अब आपको लिखना है the normal equations. सब totals मिल जाने के बाद you have to write normal equations. पहला normal equation था summation Y equal to NA प्लस बी समेशन एक्स. इस नॉर्मल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट, समेशन वाई मतलब वाई का टोटल है विच इज 402. एन इज द नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा 6 है. प्लस बी इंटू समेशन एक्स, समेशन एक्स देखेंगे तो 21 है, 21 बी. तो दिस यू शुड मार्क एज इक्वेशन नंबर 1. एक नॉर्मल इक्वेशन से एक इक्वेशन मिल गया है. सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन विच इज समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. दिस इज सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन. स्टैंडर्ड होता है, नॉर्मल इक्वेशन हमें याद होने चाहिए. समेशन एक्स वाई डेटा इज 1545, समेशन एक्स इज 21 सो इट्स 21 ए, समेशन एक्स स्क्वायर इज 91, 91 बी. ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा. एंड यू हैव टू सॉल्व इन द कैलकुलेटर इक्वेशन 1 एंड 2. कैलकुलेटर में इक्वेशन मोड होता है और सबसे पहला ऑप्शन आपको ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करने दे देगा.
equation mode, the option number one, very first option equation mode mein, वहां पर ये coefficients डालने होते हैं, यहां से डालना है 6, 21, फिर 402, then 21, 91, 1545, that will give us the value of A and B. According to the calculator, that will be X and Y, but हम लोग के लिए वो A and B है. Equation mode, first option, please. Yeah, 39 point, must be 39.4. Hai na, shayad 39.4 ho gaya. Aur B ka value to zyada hota hai, 7.88. Jitna bhi aa raha hai, kam se kam 4 decimal le lete hain, 7.8857. A to itna hi de raha hai, 39.4. Aur B aur bhi zyada hai, but take only 4 decimal places. So A and B value we have got. Thus, the equation of straight line. Bas problem khatam ho gaya dekhe. Equation of straight line ka formula tha. Y equal to A plus BX. In this, you substitute Y equal to A ka value 39.4 plus B ka value 7.8857 and X. Ye rule ne bola tha. As the answer, I will highlight this. Yeah. So, this straight line ka equation ko bolte hain fit a straight line.